बढ़ ही प्रशासन ने गरीबों के तोड़ दिए मकान, रसूखदारों पर नहीं की गई कार्यवाही। बढ़ ही नगर परिषद का मामला, कटनी जिले के बरही तहसील में आज एसडीएम तहसीलदार एवं नगर परिषद अमला द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। नगर के वार्ड नंबर 3 दुरहा बांध पर बने गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। इस दौरान लगभग एक दर्जन से अधिक गरीबों के मकान तोड़े गए हैं। वहीं इस कार्यवाही से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि हम गरीबों पर प्रशासन का डंडा चलाया गया है, वहीं रसूखदारों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि बहेल बर्फ फैक्ट्री मालिक का सरकारी भूमि पर बड़े रकबे में कब्जा किया गया है, इस पर कार्यवाही नहीं की जाती और हम गरीब रोज मजदूरी करके पेट काट कर घर बनाए हैं, आज हमारा घर गिरा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कलेक्टर, तहसीलदार एवं मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि अब कोई कार्यवाही की गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। बड़ ही संवाददाता संदीप स्वर्णकार। ये मैं कह रहा हूँ, ये गरीब आदमी का अपन जो है रोड की चौड़ाई नाप ली, ठीक है, तुम्हारी जमीन ठीक है अपनी जगह, लेकिन सरकारी रोड इसको अपन चलेंगे, आ जाएंगे हम, उसको करते हैं क्लियर कर देंगे ना। रोड की चौड़ाई है ना भाई, हमारे नक्शे में रोड है पूरा मकान। अरे इनके मोहल्ला में वो जो दुबे जी की जमीन भाई के नीचे भाई तुम्हारे जो आंगनबाड़ी है खेत न पाए हैं, ये पूरा आदमी रोड दबा दिया है काका जी। नहीं अपन उसको क्लियर करेंगे दोबारा, ठीक है, क्या आरोप है आपका, क्या कहना है बताइए आपका। हमारा ये आरोप है भैया कि अब जब बना लिए हैं तो एक एक कमरे के लिए सबको किनारे दिया जाए और अपना लेके मुक्ति धाम बनाए, बाग बगीचा बनाए, हमको कुछ भी इतराज नहीं, पर गरीबों को तो दिया जाए। और फिर जब शुरुआत में बनाए तो काहे नहीं नगर पालिका रोक लगाया, अब जब गरीबों के बन गया है, मेहनत मजदूरी से तो ढोंस रहे हैं। उस दिन वो रामलाल बोल के गया है कि ये बिल्डिंग जब सब टूटेंगी तब झोपड़ी में हाथ लगेगा, नहीं ना लगेगा, आज कल से लगा दिए एकदम से। क्या नाम है आपका? सावित्री लोनी हूँ सर। आप भी यहाँ मकान बना कर रह रही हैं? बनाई हूँ, ये एक कमरा बना है, इसीलिए तो हाथ विनती करते हैं। गरीब लोग हैं, रोड में पड़े रहते हैं, तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, ना कोई सुनाई है। एक एक रूम सब कोई बनाया है, सब गरीब है यहाँ बेचारे, अब किसी का नहीं बना। आपने कहीं शिकायत की है क्या? करे हैं, वहाँ गए, अरे भोपाल तक गए, उस दिन गए वहाँ, कटनी गए, कलेक्टर साहब के पास सब गए, वहाँ गए नगर पाल का, वहाँ कागज बाबू दिए, ये तो वहाँ खड़े नहीं होते, कुछ नहीं दिए। किसी नेता वेता से मिले? वही मिले हैं, वहाँ जाके ही कलेक्टर साहब से मिले, विधायक जी से, वो यहाँ मिले, वो ध्यान नहीं दिए, वो चुपचाप निकल के चले गए। ये बोल के गए कि कुछ न हो, ये यहाँ सब जितने अधिकारी हैं सब गरीबों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपए खाए बैठे हैं कि बना लो, किसी का न गिरेगा। आए सब कुत्ते लोग आज घर गिराने आते, कोई पटवारी का दिया है, कोई नगर पालिका में दिया है, कोई किसी को दिया, सबको दिया है भैया, सब कोई सबको पैसा इधर लिए हैं सब गरीबों से कि 10-10 हज़ार रुपए दो, को 20 हज़ार रोज पैसा लेते आते हैं और सबके आगे झूठ बोलते हैं कि हमने दिए नहीं। मांग है आपकी प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको एक एक कमरे के लिए, टपरिया के लिए घर दिया जाए, एक गरीब लोग। क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी करते हैं, खुद मजदूरी करते हैं, बर्तन पोछा करते हैं, वो दिन भर मजदूरी करते हैं। राज्य राजस्व क्षेत्र में शासकीय भूमि पे जो कब्जा है और उन पे अतिक्रमण कार्रवाई की गई है, आपका क्या कहना है इस विषय में? आप नगर वासी हैं, गरीबों के हित में क्या कहना चाहेंगे? संदीप भाई, अपना कहना तो ये है कि बरही नगर में अतिक्रमण तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया है, चाहे वो शंकर जी की पहाड़ी हो, चाहे तालाब की ये पहाड़ी हो, हर जगह अतिक्रमण है और जहाँ जहाँ शासकीय भूमि है उस पूरी भूमि पर लगभग अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। और सिर्फ अतिक्रमण जब हटाने की बात आती है तो सिर्फ गरीबों को टारगेट करके, सिर्फ उनके छोटे मोटे मकानों को गिराकर कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, जबकि बरही नगर की लगभग 40% भूमि पर बरही के रसूखदार लोगों का अतिक्रमण है और रसूखदार लोगों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, जिनके पास काफ़ी पैसा भी है, खुद के बड़े बड़े भवन हैं, ऐसे लोगों ने बरही में कई जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। तो अपना कहना ये है, जब आप अतिक्रमण की कार्यवाही को सुनिश्चित करें
तो पहले तो सबसे पहले आप इस पहाड़ी को पूरा नापें। आप कैमरा देखिए, यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका कब्जा है। यहाँ देखिए पहाड़ी को काट कर कितना कब्जा किया गया है। तो जब भी आप कार्यवाही सुनिश्चित करें, उसके पहले आप पूरी पहाड़ी का सीमांकन करें, कहाँ तक सरकारी भूमि है, और जहाँ तक सरकारी भूमि है, चाहे वह रसूखदार हो चाहे गरीब हो, जब आप कार्यवाही करें तो सबसे पहले रसूखदार के गिरा, इसके बाद गरीबों के झोपड़े गिरा। इस कार्रवाई में क्या लगता है आपको, भेदभाव किया गया क्या प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल।